जय हिंद दोस्तों, रॉयल्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। एज प्रॉमिस्ड हम आपके लिए रेन एंड मार्टिन हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन, जिसको रिवाइज किया है डॉक्टर एनडीबी प्रसाद राव, का सेकंड चैप्टर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट हिंदी में लेके आए हैं, जो कि आपके एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वेदर एनडीए, सीडीएस, एएफ कैट, एसएससी, सीजीएल, आईबीपीएस, यूपीएससी, सीएससी सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो क्रिएट किया है मेगा सिंह राठौड़ ने, और जब मैं इसको कंप्लीट करूंगा तो आपके पास सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में जानने के लिए कोई भी डाउट नहीं रहेगा, और मतलब कोई भी चीज़ बची नहीं होगी। सो लेट्स स्टार्ट। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था सेंटेंसेस के बारे में। सेंटेंसेस के बारे में हमने सेंटेंसेस पढ़ा था, उनके चार काइंड्स होते हैं वो पढ़ा था, फोर टाइप्स होते हैं वो पढ़ा था। दूसरा, अब इस चैप्टर में हम सेंटेंस के बारे में ही पढ़ेंगे कि जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो सेंटेंस इज लाइक ए व्हीकल, एक गाड़ी की तरह है जिसके कई सारे पार्ट्स होते हैं, कई सारे टुकड़े होते हैं। तो सेंटेंस में कोई भी प्रोमिनेंट दो पार्ट्स होते हैं, दो टुकड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें, और इन दो टुकड़ों के अलावा और कुछ नहीं होता। पहला कि उस सेंटेंस में हम किसी व्यक्ति का या वस्तु का नाम बोल रहे होते हैं, और दूसरा कि उस व्यक्ति या वस्तु या किसी भी चीज़ ने जो भी काम किया है या जो भी बात हम उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कह रहे हैं, वो जो चीज़ होती है वो दूसरी होती है। तो इस तरह से हमने जाना कि किसी सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक जो कि कोई पर्सन या थिंग होता है, दूसरा वो पर्सन या थिंग क्या काम कर रहा है या फिर हम उसके बारे में क्या कह रहे हैं, वो दूसरी चीज़ होती है। तो सेंटेंस इन दो चीज़ों से मिलकर बनता है। अब बेहतर तरीके से हम मैं आपको बताऊं तो पहले वाले पार्ट को हम कहते हैं सब्जेक्ट और दूसरे वाले पार्ट को हम कहते हैं प्रेडिकेट। अब इसको थोड़ा और डिटेल में हम जानते हैं। और डिटेल में जानने के लिए सब्जेक्ट के बारे में अगर मैं बताऊं तो द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट। कोई भी सेंटेंस हमने लिखा, चलिए हमने एक सेंटेंस लिखा यहां पे, ही ईट्स अ मैंगो। अब ये पूरा सेंटेंस हो गया। तो इस सेंटेंस का वह पार्ट जो या तो व्यक्ति हो या वस्तु हो और जिसके बारे में हम कुछ कह रहे हो, किसके बारे में हम कह रहे हैं, ही ईट्स अ मैंगो, वह आम खाता है, किसके बारे में कहा जा रहा है, वह के बारे में यहां पे बात की जा रही है, इसलिए वो हो गया सब्जेक्ट, राइट। अब ही सब्जेक्ट हो गया। अब यहां पे इसके बाद से आपको ये जानना जरूरी है कि ये जो सब्जेक्ट होगा वो या तो कोई पर्सन होगा या प्लेस होगा या थिंग होगा या एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होगा। एक नटसेल अगर मैं बताऊं तो सब्जेक्ट का नाउन होना जरूरी है। अगर वो नाउन नहीं है तो क्या है, यूजुअली हम पार्ट्स ऑफ स्पीच जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि नाउन के बदले में जो यूज हो वो प्रोनाउन होता है। तो सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है। बस इतना जान लिए, किसी भी सेंटेंस में अगर हम किसी पर्सन, प्लेस, थिंग या एब्स्ट्रैक्ट आइडिया या फिर किसी प्रोनाउन के बारे में जो भी चीजें हम कह रहे हैं वो हो गया सब्जेक्ट, राइट। अब जो दूसरी चीज है वो सब्जेक्ट जो है किसी भी सेंटेंस में हमेशा पहले आता है। द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट। हमेशा ही अगर आप कोई भी सेंटेंस लिखेंगे, हमेशा से जो सब्जेक्ट होगा वो पहले लिखा जाएगा, बट समटाइम्स इट इज पुट आफ्टर द प्रेडिकेट, ये भी हम जानेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, ही हैज अ गुड मेमोरी। यहां पे हम किसके बारे में कह रहे हैं, ही के बारे में कह रहे हैं कि उसके पास एक अच्छी याददाश्त है। तो ही के बारे में कह रहे हैं, ही पर्सन, प्लेस, थिंग या एब्स्ट्रैक्ट आइडिया न होकर के क्या है, ही जो है एक प्रोनाउन है। तो ही जो हो गया वो क्या हो गया, ही हो गया हमारा सब्जेक्ट। आप यहां पे ध्यान से देखिए कि सब्जेक्ट जो है इस पूरे सेंटेंस के फर्स्ट में ही आया है। तो इस तरह से ये जो सब्जेक्ट होगा इट यूजुअली कम्स फर्स्ट। दूसरा जो मैं आपको बता दूं कि प्रेडिकेट के बारे में जो हम बात कर रहे थे और जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन इसमें होगा उसको हम कहते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट फिर हमने कहा था बट समटाइम्स इट इज पुट आफ्टर द प्रेडिकेट। चलिए ये एक्सेप्शन केसेस होती हैं, मैं एग्जांपल आपको देता हूं। ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट, मतलब कि एक साधु किसी पहाड़ी के चोटी के ऊपर रहता था। तो यहां पे आप देखें तो इंग्लिश का जो सेंटेंस अरेंजमेंट है, ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट,
तो वो क्या है कि एक पहाड़ी के चोटी पर रहता था एक साधु। मतलब बात किसकी हो रही है, हमें ये जानने की जरूरत है कि हम किसके बारे में, अबाउट हुम और टू हुम वी आर स्पीकिंग अबाउट, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है अ हर्मिट की, तो इसलिए हर्मिट जो हो गया वो हो गया सब्जेक्ट। एंड मैंने आपको पहले ही बताया कि आफ्टर द सब्जेक्ट जो भी चीज़ बचती है वो हो जाती है प्रेडिकेट। तो आपने अच्छे से यहाँ पे देख लिया कि सब्जेक्ट क्या होता है, और हमेशा सब्जेक्ट फर्स्ट में आता है यूजुअली, लेकिन कभी कभी आपको दूसरा, जो मैंने एग्जाम्पल दिया कि सब्जेक्ट बाद में भी आ सकता है। बस आपको ये जानने की जरूरत है कि पूरे सेंटेंस में किसके बारे में कहा जा रहा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है वही जो होगा हमारा सब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट हम जानेंगे प्रेडिकेट क्या होते हैं। द पार्ट विच टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। ऑलरेडी मैंने आपको बताया सब्जेक्ट क्या होते हैं, किसी के बारे में कुछ कहा जाए पूरे सेंटेंस में तो वो सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट क्या, तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, पर्सन प्लेस थिंग एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और प्रोनाउन। अगर आपने सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया, बाकी सबको अंडरलाइन कीजिए और सबके नीचे बस पी लिखिए, वो हो गया प्रेडिकेट। तो द पार्ट विच टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, सेंटेंस का वह पार्ट जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी कह रहा होता है वो हो गया आपका प्रेडिकेट। और हमेशा इट इज यूजुअली प्लेस्ड आफ्टर द सब्जेक्ट, हमेशा से प्रेडिकेट को हम सब्जेक्ट के बाद ही रखते हैं। जैसे ही हैज़ अ गुड मेमोरी, उसकी याददाश्त अच्छी है। तो यहाँ पे हमने किसके बारे में बात की, ही के बारे में बात की, ही के बारे में जो है वी आर स्पीकिंग अबाउट। तो ही जो हो गया वो हमारा सब्जेक्ट हो गया, और सेंटेंस का वह पार्ट जो इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ कह रहा है, हैज़ अ गुड मेमोरी, ये पूरा पार्ट जो हो गया ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। तो आपने यहां पे देखा कि इट इज यूजुअली प्लेस्ड आफ्टर द सब्जेक्ट। बट अब पहले ही वाले के एग्जाम्पल हम ले लें, ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट। वहां पे आप देखेंगे कि हर्मिट जो है वो सब्जेक्ट था, बाद में आया था, प्रेडिकेट पहले आ गया था। तो इस टाइप के सेंटेंस, बस आपको सेंटेंसेस को देखना है, अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि हम इस सेंटेंस में किसके बारे में कह रहे हैं, वो सब्जेक्ट हो गया, बाकी सारी जो चीजें हो गई उसके अलावा वो हो गई प्रेडिकेट। थोड़ा सा और जानिए कि अगर हम इंपरेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो उसमें सेंटेंस सब्जेक्ट जो होता है वो लेफ्ट आउट होता है। इंपरेटिव सेंटेंसेस क्या होती हैं, ऐसी सेंटेंसेस जिसमें या तो कमांड हो, कमांड मतलब कि आप किसी को आदेश दे रहे हो, या फिर एंटिटी हो मतलब कि आप उससे विनती कर रहे हो। तो ऐसे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट को यूजुअली लेफ्ट आउट होता है, छोड़ दिया जाता है। इसको इस बात से नहीं कंफ्यूज करें कि उसमें सब्जेक्ट होता ही नहीं है। ऑफ कोर्स उसमें सब्जेक्ट होता है, वो वहाँ लिखा नहीं जाता है क्योंकि वो वेल अंडरस्टूड होता है। इस बात को ध्यान में रखें, कई जगह पे आप वीडियोस देखेंगे वहाँ पे, या फिर खुद से पढ़ेंगे, आपको ऐसा कन्फ्यूज़न होगा कि इसमें तो मुझे सब्जेक्ट जो है वो दिख ही नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे हिडन है सब्जेक्ट, सिर्फ इस पर्टिकुलर इंपरेटिव सेंटेंसेज में उसको लेफ्ट आउट, छोड़ दिया गया है। एग्जाम्पल देखते हैं, स्टैंड देयर, हमने कहा स्टैंड देयर मतलब वहां खड़े हो जाओ। जब हमने किसी को कहा वहां खड़े हो जाओ तो ये क्या था, यह एक कमांड था, राइट? अगर ये कमांड था और हमने कहा वहां खड़े हो जाओ तो सुनने वाला कौन है? मतलब अगर मैं किसी को बोल रहा हूं वहां खड़े हो जाओ तो ऑफकोर्स जो जिसको भी मैं कह रहा हूं वो वहां पे प्रेजेंट है। इसका मतलब यह है कि वो जो है सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन या तो वहां उसमें एक व्यक्ति हो सकता है या फिर कई व्यक्ति हो सकते हैं। तो वो दोनों ही केसेस में यू ही होगा, अगर सिंगुलर भी है या फिर प्लूरल भी है तो यू ही होगा। हो सकता है मैं भीड़ को बोल रहा हूं वहां खड़े हो जाओ, या हो सकता है मैं एक व्यक्ति को बोल रहा हूं वहां खड़े हो जाओ। मतलब यहां पे वेल अंडरस्टूड है कि यहां पे सब्जेक्ट को जिसके बारे में कहा जा रहा है या जिसको कहा जा रहा है उसको हमने क्या कहा है, उसको इस सेंटेंस में हमने दिखाया नहीं है, बट वो हिडन है। और हिडन कौन है, सामने सुन रहा है, सुन रहा है, इसका मतलब वो यू है। अब चाहे वो एक व्यक्ति हो या कई व्यक्ति हो, दोनों केसेस में हम यू ही लिखते हैं। मतलब कि इंपरेटिव सेंटेंसेस में जो भी सब्जेक्ट होते हैं वो हिडन होते हैं, हिडन होते हैं, और यहाँ पे वेल अंडरस्टूड होता है, वेल अंडरस्टूड होता है कि ये जो सब्जेक्ट है वो हमेशा से यू ही है। दूसरा एग्जाम्पल हम देखें, हैव मर्सी अपॉन अस, हमारे ऊपर दया कीजिए। तो यहाँ पे अगर ये जो कैसा सेंटेंस है,
यहाँ पे हम देखेंगे हैव मर्सी अपॉन अस, हमारे ऊपर दया कीजिए, यह क्या दिखाता है, यह एक एंट्रिटी दिखाता है, हम उससे विनती कर रहे हैं। तो जब हम यहाँ पे विनती कर रहे हैं, तो जब हम किसी से कह रहे हैं कि हमारे ऊपर दया दिखाइए, वो हमारे सामने खड़ा है, वो हो सकता है कि यह ग्रुप ऑफ पीपल हो या फिर एक व्यक्ति हो, दोनों को अंग्रेजी में हम यू ही कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी इस पर्टिकुलर सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन जब हम कहते हैं हैव मर्सी अपॉन अस, मतलब हम सामने वाले से बात कर रहे हैं, वो या सिंगुलर या फिर प्लूरल, मतलब वो वहाँ पे यू है, मतलब जो हिडन यहाँ पे है वो हमारा सब्जेक्ट, हिडन सब्जेक्ट है और वो है यू। तो नेवर कन्फ्यूज कि इम्परेटिव सेंटेंसेज में जो होते हैं सेंटेंसेज, इम्परेटिव सेंटेंसेज में सब्जेक्ट जो होते हैं वो नहीं होते हैं, वहाँ होते हैं, उनको लेफ्ट आउट कर दिया जाता है, मतलब कि सेंटेंस में उस पर्टिकुलर नहीं होते हैं, वहाँ पे छुपे हुए होते हैं। तो आई होप कि आपने यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में अच्छी तरह से समझ लिया, प्रेडिकेट के बारे में अच्छी तरह से समझ लिया। सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के पहले आता है, कभी कभी बाद में भी आता है, प्रेडिकेट हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है, कभी कभी पहले भी आता है। इम्परेटिव सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट को लेफ्ट आउट कर दिया जाता है, लेकिन वहाँ पे सब्जेक्ट होता है, हिडन यू होता है और ये वेल अंडरस्टूड होता है। तो आई होप सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आपको अच्छी तरह से समझ में आया है। प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए, रॉयल्स एजुकेशन को आप सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।